चलिए, गुड मॉर्निंग। दो टॉपिक आ रहे हैं आज के भी। फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। नाम शायद सुन लिया होगा, अभी हालिया तौर पर IIT बॉम्बे में एक रिसर्च किया गया और उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया गया है कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज करके हम जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन करते हैं, उस नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन के लिए इसका जो कन्वर्टर है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन कन्वर्टर जो है, उस प्लांट को हम ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट द शॉर्टेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में जो कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ये काफी अच्छा हुआ। 3 to 4 days लगे उनको सिर्फ ये कन्वर्जन में, तो वो कह रहे हैं अगर इतने ही टाइम के अकॉर्डिंग हम 93 to 96% ओरिजिनल फॉर्म और द प्योर फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके कलेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स फॉर द कोविड पेशेंट्स और द अदर पेशेंट्स व्हिच एक्चुअली आर वेटिंग फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। तो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास। The second topic will be the Ayushman Bharat Divas, Ayushman India Day. That is actually today, 30th of April is celebrated as the Ayushman Bharat Day. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, to aware the or to make the people aware about the health issues and as well as to improve the health policies and the health programs in India, the Ayushman Bharat Day is being celebrated with the two objectives, right? फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये पेपर वन में नेशनल इवेंट में मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। मेंस में जाओगे तो पेपर 3 यूनिट 1 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है इन द यूनिट 1, उसमें अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा, राइट। चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं, शुरू करते हैं। उसके पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, वगैरह 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 चीजें। सो व्हाट इज द फंक्शनिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। देखो आपको नाम से सीधे सीधे तौर पर समझ में आ रही होगी एक कॉमन सी चीज, वो एक कॉमन सी चीज जो नाम से सीधे सीधे समझ में आ जानी चाहिए वो क्या है कि जो प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन जो है उसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं। पहला है प्रेशर, दूसरा है स्विंग और तीसरा है ऑब्जॉर्प्शन। यानी कि पहला है प्रेशर क्रिएट करना, राइट। दैट मींस हमें क्या करना है, द कंप्रेस्ड एयर विल बी कलेक्टेड, राइट, इन दिस प्लांट। जो हम प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर्प्शन प्लांट की बात करते हैं, अगर हम उसकी बात करें, सो इन दिस प्लांट द हम बोल सकते हैं क्या, दैट द कंप्रेस्ड एयर, प्रेशराइज्ड एयर विल बी कलेक्टेड एंड देन आफ्टर इट विल बी यूटिलाइज्ड, राइट। तो पहली चीज तो ये कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन में हम लोग करते क्या है, तो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, राइट, इट इज नथिंग बट आप ये बोल सकते हो दैट इट एक्चुअली इज द प्रोसेस टू सेपरेट द एयर मिक्सचर into its different gas components. The process is called air pressure swing absorption, right? Like if we want to produce by using this technique the nitrogen and the oxygen, right? अगर हम इनको use करना चाहें, oxygen and nitrogen को pure form में नहीं आपके पास, you are actually breathing. And in the breathing or in the process of respiration, you are taking the oxygen, you are taking the nitrogen, you are taking the carbon dioxide as well, you are taking the argon as well, right? The different part. अगर आप देखो तो अगर इस process की बात करो तो हम इसमें ये लिख सकते हैं that this process is different from the fractional distillation of गैसेस। ये बात ध्यान रखना है कि ये प्रभंजक आश्वन से विभिन्न विधि है। प्रभंजक आश्वन विधि जो है उसके साथ नहीं जुड़ती है, प्रभंजक आश्वन से भिन्न है ये विधि, इस बात को ध्यान रखना। प्रभंजक आश्वन विधि का उपयोग कहां किया जाता है, प्रभंजक आश्वन विधि का उपयोग किया जाता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन निकालने में, जो ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स में लिफ्ट करके आप तक भेजी जाती है, जो हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा रही है फ्रॉम द ऑक्सीजन प्लांट्स, वो क्रायोजेनिक टैंकर्स का यूज करके एट द लीस्ट टेम्परेचर, निम्नतम दाब पर उस टैंकर में भर करके पहुंचाई जाती है, क्योंकि लिक्विफाइड स्टेट है। देखो हमारा टॉपिक क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पहले तो ये समझ लो ना कि फिजिकल केमिकल चेंज होता है, क्योंकि बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द केमिकल चेंज। देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन को फिल्टर करके स्टोर कर रहे हैं एक तरीके से। जो नॉर्मल एयर है उस नॉर्मल एयर में से हम इनको निकाल रहे हैं। अब सवाल एक हमारे सामने आता है, वो आपके जहन में आना चाहिए, वो आपके जहन में आया हुआ सवाल ये होना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि हमारा जो सराउंडिंग एम्बियंट है, इन आर सराउंडिंग एम्बियंस देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, वी आर लिविंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, वी आर टेकिंग इट इनसाइड आवर बॉडी और इनसाइड आवर लंग्स व्हिच इज बीइंग डिफ्यूज्ड
by the alveolus in the lungs and is going to the blood and makes our cells and tissues respiration, right? तो सवाल ये है कि जब हम अपने एम्बियंस में अपने चारों ओर जब ये ऑक्सीजन उपस्थित है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन में से हमारे को जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन मिल रही है, तो फिर ये अलग से ऑक्सीजन की जरूरत क्या? क्यों हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का यूज कर रहे हैं, क्यों हम लिक्विफाइड ऑक्सीजन का या लिक्विड ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, या क्यों हमें इस पीएसए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी के प्लांट्स का यूज करना जरूरी पड़ रहा है, राइट? तो ये चीज को अगर हम लोग देखें समझें, तो देखो जरा समझो, अगर हम बात करें नॉर्मल एयर की, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एयर, जो सामान्य हवा है, सामान्य जो वायु आपके सामने आती है, नॉर्मल एयर, राइट? नॉर्मल एयर को हम लोग क्या डेफिनेशन देते हैं? उसको डेफिनेशन देते हैं दैट इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट गैसेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट गैसेस का मतलब होता है कि इसमें कई सारी गैसेस अवेलेबल है, कई सारी गैसेस, जस्ट लाइक मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ नाइट्रोजन. सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें जो आता है वो नाइट्रोजन का आता है, नाइट्रोजन विच इज कंसिडर्ड नियर अबाउट 78.03% कंसिडर की जाती है. द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द O2. अब ऑक्सीजन है कितना? 20.99% अप्रोक्सीमेटली, और मान लो ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 21%. यानी कि आप जो एयर ले रहे हो उसमें कितनी ऑक्सीजन जा रही है? सिर्फ 21% ही तो आप ले पा रहे हो ना रेस्पिरेशन में. ये नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं, विदाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास्क एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट? इसके बिना जब आप ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में से 21% पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है, जो आपकी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल कंडीशन में तो पूरी कर सकता है, बट व्हेन अ काइंड ऑफ सीवर डिजीज और ना आप बोल सकते हो दैट डिसऑर्डर क्रिएटेड इन द एक्टिविटीज ऑफ द लंग्स, की फेफड़ों में आने वाली किसी भी अवरुद्धता की वजह से या किसी भी अनियमित क्रिया की वजह से या किसी भी निष्क्रियता की वजह से आपकी जो शरीर होता है उसे जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हमें हाईएस्ट परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन फील्ड एयर देना पड़ता है आदमी को. ये 21% ऑक्सीजन फील्ड एयर जो है वो काम नहीं करती फिर वहां पर, राइट? इसी में आपको आर्गन मिलेगी, इसी में आपको क्रिप्टन मिलेगी, इसी में आपको नियॉन मिलेगी, एंड मेनी अदर गैसेस विच आर नियर अबाउट 1% एंड विच आर नियर अबाउट 1% एंड द CO2 विच इज 0.04%, राइट? वैसे हम इसको 0.03 लिखते हैं, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है. तो अब बुक्स में भी इस चीज को अपडेट कर दिया गया, एंड अपडेटेड पार्ट इज दैट CO2 इज नियर अबाउट 0.04% इन द एयर प्रेजेंट, है ना? इट इज इट्स क्वांटिटी. अब जब आपने रेस्पिरेशन किया तो दीज ऑल गैसेस, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं, ये आपकी बॉडी में जाती हैं. दैट मींस व्हेन अ पर्सन इज इनहेलिंग द गैसेस, जरा समझो, एक व्यक्ति जो है वो जब गैसेस को इनहेल करता है तो उस व्यक्ति के इनहेलेशन जब वो कर रहा है ना, तो इनहेल करने के दौरान उस व्यक्ति के जो लंग्स हैं, राइट, उस व्यक्ति के लंग्स में ये सारी गैसेस जा रही हैं, राइट? इस बात को ध्यान रखना, ये उस व्यक्ति के जो लंग्स हैं उन लंग्स में ये सारी गैसेस जा रही हैं, राइट? दैट मींस ही इज व्हेन जब इनहेल कर रहा है तो ये नॉर्मल एयर जो है उसको ही तो इनहेल कर रहा है, और ये नॉर्मल जो एयर है थ्रू हिज नोज, जो नेजल कैविटीज हैं इसकी, उस नेजल कैविटीज से ये इनहेल कर रहा है, यही एयर यहां जा रही है नीचे की ओर, राइट? अब होता क्या है कि इस एयर में नाइट्रोजन भी है, इस एयर में CO2 भी है, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, ऑल गैसेस सारी की सारी गैसेस ये जा रही है, और लंग्स के अंदर ये जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये सारी की सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 पहुंचती भी हैं. अभी आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो वो रेस्पिरेशन आप किस तरीके से कर रहे हो? इस समय पर आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो वो नॉर्मल एयर को कर रहे हो. तो नॉर्मल एयर की कंडीशन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल द गैसेज मिक्सड इन द एयर आर एक्चुअली गोइंग टू योर लंग्स, ये आपके लंग्स में जा रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाक में कोई फिल्टर लगा हुआ है या कोई पर्दा लगा हुआ है या किसी टाइप का कोई एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि नाइट्रोजन को रोक देगी, CO2 को रोक देगी और ऑक्सीजन को जाने देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सारी चीजें इसमें जा रही है, राइट? दिस इज बींग स्टोर्ड इन योर लंग पार्ट, जो लंग पार्ट में जाकर स्टोर हो रही है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट, वेन द अल्वॉइलीज, राइट? जो अल्वॉइलीज जो है उनमें जाकर के स्टोर हो जा रही है, और अल्वॉइलीज में जाकर के जब स्टोर हो रही है तो जब हम रेस्पिरेशन में जो एक इंस्पिरेशन हो गया और एक एक्सपायरेशन हो गया, मतलब सांस को अंदर लेना और छोड़ना, तो जब हम बाहर कर रहे हैं दैट मींस वी आर एक्चुअली थ्रोइंग आउट द एयर और थ्रोइंग द एयर आउटसाइड द बॉडी, जब हम उसका एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का कुछ पार्ट नियर अबाउट 15%, नाइट्रोजन का मैक्सिमम पार्ट और CO2 का मैक्सिमम पार्ट, CO2 तो 100% ही होती है, दैट इज एक्चुअली thrown out or driven away from your body, right? अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है? देखो, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो नॉर्मल एयर से आपने रेस्पिरेशन किया, दैट मींस जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है
ये जो नॉर्मल रेस्पायरेशन है जिसकी आप बात कर रहे हो राइट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें 20% ऑक्सीजन जो होती है, जैसे 21% ले लो, वो हम क्या करते हैं, वो हम इनहेल करते हैं, ये इनहेल हो गई, ठीक है, ये इनहेल हो गई, और इसमें 15% ऑक्सीजन जो है, 15% इज इजेक्टेड, इसको इजेक्ट कर देते हैं, इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, इसको इजेक्ट कर देते हैं, यानी कि 20% ली थी, ये ली गई थी, और ये थी 15% छोड़ी गई। अब आप समझो आपकी जो बॉडी है उसमें से ब्लड में मर्ज होने वाली ऑक्सीजन यानी हार्ट तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कितनी थी, तो ऑक्सीजन थी जस्ट 20% माइनस 15% इज इक्वल्स टू 5%, ओनली 5% ऑक्सीजन हैज बीन कंज्यूम। मतलब आपने अपने एम्बियंस में प्रेजेंट 20 या 21% ऑक्सीजन जब इनहेल की है, तो 20 या 21% ऑक्सीजन इनहेल्ड में से आपकी बॉडी के द्वारा कंज्यूम्ड जो ओरिजिनल पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो 5-6% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो 5-6% ऑक्सीजन का पार्ट जो इनहेल किया जा रहा है वो आपके लिए काम का नहीं होगा राइट। तो जब हम बात करते हैं लिक्विफाइड ऑक्सीजन की, या जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिक्विड ऑक्सीजन कहते हैं, या जब हम बात करते हैं कंसेंट्रेटेड ऑक्सीजन की राइट, तो ये ऑक्सीजन जो कि आपको अलग अलग माध्यम से पहुंचाई जाती है या दी जाती है, स्पेशली व्हेन लिक्विड ऑक्सीजन इज एक्चुअली गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ दैट स्टोर्ड इन द सिलेंडर्स एंड वी द ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन ट्यूब्स और स्मॉल ट्यूब्स, ये आपको पहुंचाई जाती है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है बेटा 92% से लेकर 95% तक कंसेंट्रेटेड प्योर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। नहीं समझे, नॉर्मल एयर में आपको ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी थी वो महज 21% मिल रही थी, लेकिन इस कंडीशन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको कितनी मिल रही है, 92% to 95%। और उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे थे, व्हेन एक्चुअली यू एक्चुअली वर परफॉर्मिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, समझे, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर आप ना सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे थे, आप नाइट्रोजन भी ले रहे थे, आप CO2 भी ले रहे थे, आप आर्गन भी ले रहे थे एंड एटसेट्रा, आप डस्ट पार्टिकल्स को भी अब्सॉर्ब कर रहे थे, यू आर ऑल्सो अब्सॉर्बिंग द डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, पीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, या पर्टिकुलेट मैटर पीएम की बात कर रहा हूं मैं, या पीपीएम की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर थाउजेंड्स, या पर्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा हूं मैं, जो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो फॉग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो अनडिजायरेबल एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर है वो भी आपकी बॉडी में जाते हैं, और इनका भी इस बात को ध्यान रखना, वो कहने की बात है, वो कहने की बात है, इन द नेसोफेरिंक्स just because of the nostrils and the other parts and due to some amount of the cup these are being filtered, not 100%, is baat ko dhyan rakhna, not 100%, PM maximum 2.5 micrometer ka ho to inko roka ja sakta hai, particulate matter ko samajh sakte ho, particulate matter is what, ye diameter bata raha hu, dust particle ka ya undesirable particle pollutant ka jo air mein upasthit hai, 2.5 micrometer agar ye PM jo ab hone laga hai, जो अब होने लगा है 1 माइक्रोमीटर या इससे कम का आ जाए, या 2.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का आ जाए, तो उसको नहीं रोक सकते, वो तो आपके ब्लड में जाएगा। पीएम 2.5 माइक्रोमीटर से पीएम 1 माइक्रोमीटर तक, या 1 माइक्रोमीटर का पीएम राइट, दैट विल बी मर्ज टू योर ब्लड, ये आपके ब्लड में मर्ज हो जाता है, मर्ज टू योर ब्लड राइट, और ये आपके शरीर में रक्त को अशुद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है। PM 2.5 माइक्रोमीटर ही आपके लंग्स तक जाने के लिए बहुत 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 योग्य है, इट इज वेरी एलिजिबल टू रीच टू योर लंग्स राइट। नॉर्मली तो वैल्यू हम PM 10 ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में हम 2.5 माइक्रोमीटर के PM को भी यूज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, 2.5 माइक्रोमीटर के PM को भी यूज कर रहे हैं, रिमेंबर ऑलवेज। तो अब समस्या क्या आ रही है, अब समस्या देखो, मैंने आपको बताया था what is the problem, what actually is the problem, actually what is एक adult जो है, adult मतलब healthy adult, है ना, आजकल adult भी healthy नहीं रह गए, मैं बात कर रहा हूँ adult which is healthy adult, is 12 to
मैक्सिमम 15 टाइम्स और 16 टाइम्स ब्रीदिंग द ऑक्सीजन और इज ब्रीदिंग पर मिनट. एक मिनट में 12 से 15 बार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीद करते हैं. और 12 टू 15 टाइम्स हम ब्रीद, अगर इससे ज्यादा कर रहा है कोई, लाइक अबाउट 20 टाइम्स 22 टाइम्स, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम. नॉर्मल कंडीशन में वो इतना ब्रीद नहीं करना चाहिए, इससे कम ब्रीद भी नहीं करना चाहिए, दैट विल शो द लैक ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेटली, राइट. तो ये हेल्दी एडल्ट जो है वो इतना टाइम ब्रीद करता है, राइट. अब इतने टाइम ब्रीदिंग में हमें एक चीज समझ में आ जाती है, दैट नियर अबाउट इन अ डे, एक दिन में इस एडल्ट को, एक दिन में इस एडल्ट को 24 आवर्स में इतना ब्रीद करने के बाद लगभग 550 लीटर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है. इस पूरी क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ इन मीट्रिक टन्स वी नीड द ऑक्सीजन. 2020 में, ये आपने शायद न्यूज में देख लिया होगा, बहुत चर्चित हुआ कि 2020 में, इन द ईयर 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी गलती ये रही कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9,301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया. इस एक्सपोर्टेड ऑक्सीजन से उनको ज्यादा कुछ नहीं, बस 8.9 करोड़ ही मिले. 2019 में उनका ये आंकड़ा लगभग 4,500 समथिंग कुछ मीट्रिक टन था अप्रोक्सीमेटली, जिससे उनको समथिंग कुछ 5 करोड़ रुपीस मिले थे. कहने की बात यह है कि सरकार के द्वारा इतना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करना भी देश में ऑक्सीजन की कमी का एक कारण तो बना, हालांकि उसको हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही. तो फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रही, ऑक्सीजन गई कहां, ये समझ में नहीं आ रहा. मतलब कंटेनर में, क्रायोजेनिक कंटेनर में, क्रायो कंटेनर में ऑक्सीजन ले जा रही थी तो उसमें कोई छेद हो गया था और ऑक्सीजन उसमें से उड़ गई थी, इसका सीधा सीधा सा मतलब यही हुआ. खैर, हम प्रोसेस पर जाते हैं और प्रोसेस है क्या, हमारा टॉपिक है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, उसकी बात हम करते हैं. तो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन कहता क्या है, दैट इट सेज दैट प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू सेपरेट सम गैसेस और गैस स्पीशीज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटी फॉर एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल. इट ऑपरेट्स एट नियर एम्बिएंट टेम्परेचर्स. इसमें आपको टेम्परेचर ज्यादा कम, ज्यादा हाई करने की ज्यादा कोई खासी जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी कर सकते हो. इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, पहला मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी गैस का, पीएसए क्या है, नॉर्मल एयर में से एयर की या गैस की किसी विशेष प्रजाति को अलग कर देना, टू सेपरेट एन स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ गैस फ्रॉम द नॉर्मल एयर, दिस इज कॉल्ड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन. अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको स्विंग प्रेशराइज करके करवा रहे हैं, मतलब इसमें प्रेशर का एक बड़ा योगदान है. तो इसमें जरूरी चीज किसकी होगी, कंप्रेशर की, जो कि क्या करेगा, नॉर्मल एयर को कंप्रेस करेगा. उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, ड्राई करने के बाद उसको सेपरेट किया जाएगा, और सेपरेट करने के बाद उसे क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब. इसीलिए दिस प्रोसेस हैज बीन नेम्ड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन. तो प्रेशर कंडीशंस का ध्यान रखना है, टेम्परेचर कंडीशन तो नियर एम्बिएंट टेम्परेचर चलेंगी, यानी कि आपके आसपास के वातावरण या आपके आसपास के परिवेश के लगभग लगभग समान तापमान होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. भैया समझ में आई बात, नॉर्मल कंडीशन में. तो हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक गैस का क्या है, मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक क्यों, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज द मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय और फिल्टर्ड बाय विच मेम्ब्रेन. लाइक अभी जो नाइट्रोजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन N2PSA प्लांट जो है, उस N2PSA प्लांट में हम कार्बन फिल्टर्स का यूज करते हैं. कार्बन क्या करता है, नॉर्मल एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो बड़ी क्वांटिटीज हैं, तो कार्बन फिल्टर ऑक्सीजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपने में एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ N2 बचती है, उस N2 को सिलेंडर में यूज किया, स्टोर कर लिया जाता है, और फ्रॉम द सिलेंडर द नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द आउटलेट्स एंड इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल पर्पसेस. भाई औद्योगिक क्षेत्र में नाइट्रोजन का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है, लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जैसे अमोनिया जो बनाया जाता है, या अदर वेज ऑफ द नाइट्रेट्स, इन सब चीजों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है. तो आप जाओगे तो लगभग लगभग हर केमिकल इंडस्ट्री में आपको जरूर नाइट्रोजन प्लांट मिलेगा, हर बड़े इंडस्ट्रीज में आपको नाइट्रोजन पीएसए प्लांट मिलेगा ही मिलेगा.
आईआईटी बॉम्बे में जो ये सब हुआ उसमें उन्होंने यही कहा है कि भैया देखो ऐसा है, नाइट्रोजन प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन पीएसए प्लांट को ऑक्सीजन पीएसए प्लांट में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर इसको कन्वर्ट कर, क्योंकि 3 से 4 दिन लगते हैं और ज्यादा खर्चा नहीं है, अगर इसको कन्वर्ट कर लिया तो हम मैक्सिमम लेवल पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, और उसके भी कुछ अच्छे तरीके रहेंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। खैर, दूसरा एफिनिटी क्या है, राइट, और तीसरा है एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एब्जॉर्बेंट मटेरियल का काम यहाँ पर कार्बन फिल्टर कर रहा था, राइट। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पीएसए कन्वर्टर के लिए उन्होंने कहा है कुछ मत करिए, कार्बन फिल्टर को किसमें चेंज कर दीजिए, जियोलाइट फिल्टर में। यानी कि कार्बन फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसको जियोलाइट फिल्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। जियोलाइट फिल्टर में कन्वर्ट करने से आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा, और 92 से 93% कंसेंट्रेटेड प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन कलेक्टेड इन दिस मेथड। इस मेथड में कलेक्ट की जा चुकी है, हाँ या ना। The process is what? Pressure swing absorption एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग गैसों के मिश्रण से कुछ गैसों को अलग करने के लिए किया जाता है, ओके? यह लगभग परिवेश के तापमान पर संचालित हो जाता है और गैस पृथक्करण की क्रायोजेनिक आसवन तकनीकों से काफी भिन्न होता है। क्रायोजेनिक आसवन तकनीकें जो हैं, लिक्विफाइड स्टेट मिनिमम टेम्परेचर -173°C टू कलेक्ट दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं सॉरी लिक्विड ऑक्सीजन, और इसलिए आप समझ में आया क्रायोजेनिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये, क्रायोजेनिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज क्रायोजेनिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग द क्रायोजेनिक कंटेनर्स। इसलिए देखा होगा वो ट्रेन के ऊपर वो ट्रक रख के जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है ना जो, है ना, क्योंकि रेलवे के पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, इस वजह से क्रायोजेनिक टैंकर्स का, क्योंकि अभी तक हमें रेलवे की जरूरत ही नहीं पड़ी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं। खैर, फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको एक पीएसए प्लांट का इमेज दिखाया गया है, दैट व्हाट इज द पीएसए प्लांट, देखो ये है आउटलेट, दैट मींस व्हाट, O2 स्टोरिंग टैंक, ये रेफ्रिजरेशन है, ड्रायर करेगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा इसके अंदर, क्यों, सो दैट नॉर्मल एयर जो होती है जो इसमें भेजी जाती है, इनलेट यहीं से, इनलेट यहीं से, ये वाला पोर्शन इनलेट है ना, ये वाला पोर्शन आउटलेट है, नॉर्मल एयर जो होती है वो ह्यूमिड होती है अपने नेचर में, एयर की इस ह्यूमिडिटी को खत्म करना, क्योंकि पहले वेपर्स खत्म किए जाएंगे, वेपर्स खत्म करने के बाद दिस विल बी फ्लोइंग इन द डिफरेंट टैंक्स फ्रॉम वेयर इट विल बी गोइंग टू द फिल्टर्स। ये किस में चली जाती है, फिल्टर्स में, फिल्टर्स में क्यों जाती है, सो दैट द डस्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड, नॉर्मल पूरा एयर बनाना पड़ेगा ना उसको, पूरा एयर बनाना पड़ेगा ना उसको, तो पहले ह्यूमिडिटी हटाएंगे ड्रायर से, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर्स में से रिमूव किए जाएंगे, इन डस्ट पार्टिकल्स में से होते हुए ये नेक्स्ट फिल्टर के या कंटेनर के थ्रू कहां पहुंच जाएगी, ये पीएसए टैंक्स में पहुंचेगी। अब इसको मान लो पीएसए टैंक ए, ये है पीएसए टैंक बी, ये है पीएसए टैंक बी, राइट, और इन्हीं के बीच में ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस लगा हुआ है, इन्हीं के बीच में हो रहा है क्या, गैस सेपरेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट हो रहा है क्या, गैस सेपरेशन, जो कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक से किया जा रहा है, यानी विभिन्न दबावों पर गैसों के विभिन्न अणुओं को, जरा समझना, विभिन्न दबावों पर, दैट मींस ऑन द डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट्स द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर बीइंग सेपरेटेड इन दिस स्ट्रक्चर एंड इन विच इफ द नाइट्रोजन पीएसए प्लांट इज यूजिंग देन द कार्बन फिल्टर विल बी यूज्ड एंड फॉर नाइट्रोजन and the zeolite filter will be used for oxygen, वो oxygen के लिए use किया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, how the thing works? हाँ, इसके बीच में अगर आप pressure compress करना चाहते हो तो आपको dryer से पहले compressor use करना पड़ेगा, यहां पर compressor use कर सकते हो dryer से पहले, right? ये पूरा का पूरा जो part है, इस पूरे के पूरे प्लांट को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा,
ये प्लांट बहुत जल्दी बन जाएगा और 30 से 40 लाख रुपए का एक पीएसए प्लांट का खर्चा है, पर पीएसए जो खर्चा आता है। अब कम से कम क्या किया जाना चाहिए, कम से कम ये किया जाना चाहिए कि जो ओटू पीएसए प्लांट्स हैं, जरा ध्यान से समझना, ओटू पीएसए प्लांट्स हैं उनके लिए एक या तो नियम पारित कर दिया जाए या एक अपना ऑप्शनल नियम बनाया जाए। वो ऑप्शनल नियम ऐसा होना चाहिए आगे की क्राइसिस के लिए कि नहीं करते 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 भी जो भारत में एटलीस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में तो एटलीस्ट एक पीएसए प्लांट बनाना कंपलसरी हो ही। और मैं ये नहीं कह रहा लिक्विड ऑक्सीजन को साथ रखा जाए फॉर द बैकअप, हो सकता है पीएसए प्लांट में कोई दिक्कत आए या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कुछ समय के लिए, तो एक बैकअप के लिए उनके पास लिक्विफाइड ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, लेकिन हर एक हॉस्पिटल एटलीस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनमें डेली सर्जरी की ऑपरेशंस की एक्टिविटीज होती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ सीवर डिजीज पर वो लोग वर्क करते हैं या उनसे लड़ते हैं उनके पेशेंट्स या उनके जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं डॉक्टर्स एंड मेनी अदर्स, तो उन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहती है देखा जाए तो एटलीस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जितने इंडिया के लिए, इंडिया में उनके लिए रूल कंपलसरी करना चाहिए कि उनको अपना खुद का एक पीएसए प्लांट रखना पड़ेगा फॉर दी बैकअप। वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज चल रही है वो चलती रहे, लेकिन बैकअप के लिए एक पीएसए प्लांट उनके पास अपना होना चाहिए सो दैट जो क्राइसिस हमें इस बार झेलनी पड़ी उस टाइप की क्राइसिस फिर से ना झेलना पड़े। यहाँ हमने एक नाइट्रोजन प्रेशर एब्जॉर्प्शन या प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए दिखाया है, एन टू पीएसए, जिसमें हम लोग नॉर्मल एयर को इनलेट कराते हैं, राइट, दिस इज नॉर्मल एयर जो आपको नीचे से दिखाई देती है। नॉर्मल एयर को जब आप इनलेट कराते हो तो ये जो नॉर्मल एयर है, अब ये जो येल्लो कलर के बाल दिख रहे हैं ये बंद बाल में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड जो व्हाइट कलर के बाल में वो खुले हुए बाल में। ये एयर जो है वो ए कंटेनर और बी कंटेनर आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था प्रेशर टैंक ए प्रेशर टैंक बी, या पीएसए टैंक ए पीएसए टैंक बी है, राइट, जिसमें पीएसए टैंक ए के लिए बल्ब को खोला गया है, राइट, ये जो पीएसए टैंक ए के लिए जो बल्ब खोला गया है, इस पीएसए टैंक ए के अंदर खोले हुए बल्ब में, इस बल्ब में जो नॉर्मल एयर है उसमें नाइट्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जो है इज एब्जॉर्ब बाई यूजिंग द CO2 फिल्टर, राइट, सॉरी बाई एब्जॉर्ब बाई यूजिंग द कार्बन फिल्टर, इसको इसमें कार्बन फिल्टर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद जो नाइट्रोजन बचती है उस नाइट्रोजन को भेजा जाता है किसमें, एन टू सिलेंडर में, एन टू सिलेंडर में से, एन टू सिलेंडर में से ये नाइट्रोजन जो है वो आउटलेट में भेज दी जाती है, राइट, आउटलेट में भेज दिया था। द रिमेन पार्ट विल बी स्टोर्ड इन द पीएसए टैंक टू फ्रॉम वेयर इट विल बी अगेन कलेक्टेड टू द और टू एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल एयर और विल बी देन अगेन वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। अब इसी में मैं अगर जियोलाइट फिल्टर का यूज करना शुरू कर दूं तो ये नाइट्रोजन का सेपरेशन करने लगेगा और ऑक्सीजन को जनरेट करने लगेगा, जिसमें 92 से 93% तक प्योर ऑक्सीजन हम लोग पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी देश में जो पीएसए प्लांट्स हैं और जो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो मई के लास्ट तक बता रहे हैं 80 लग जाएंगे, 33 हम लोग लगा चुके हैं फिलहाल। 5000 टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसके लिए टेंडर ऑलरेडी जारी किए जा सकते हैं, ये 5000 टन यानी कि आप समझ सकते हो कितना एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट हमको है, और 5000 टन हम लोगों ने टेंडर जारी किए और मैंने आपको बताया 9301 टन 9301 टन इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम लोग, मतलब हमारी गलती आप समझ सकते हो कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, राइट। इन द टर्म्स रिक्वायरमेंट बाई द स्टेट्स इज वॉट, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ गुजरात उत्तराखंड बिहार कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा केरल महाराष्ट्र पांडुचेरी पंजाब उत्तर प्रदेश, राइट, ये संयंत्र अब तक लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में अकेले 5 है, 5 प्लांट्स आपको दिखाई दे देंगे, राइट, और ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हो। अभी हालिया तौर पर इस बात के लिए कोर्ट ने भी सरकार को थोड़ा सा लताड़ मारी है कि कई राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई में भी और प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने में भी, और कई राज्यों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जिनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मेन स्टेट्स हैं जिनको मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जबकि दिल्ली के मांगने पर भी दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन नहीं दिलवाई जा रही। खैर वो जो भी है, सो ये टॉपिक आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉल्यूशन हो गया वो एब्जॉर्प्शन कर दीजिए।
प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बेटा। ये एक संयंत्र है जो गैस को गैस में ही कन्वर्ट करता है और हवा से ऑक्सीजन को लेकर सीधा आवश्यकता के अनुसार पंप कर देता है। इट इज अ प्लांट दैट कन्वर्ट्स गैस इनटू गैस इटसेल्फ एंड पंप्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एज पर द रिक्वायरमेंट। यस डेफिनेटली। दूसरा कंप्रेस्ड हवा यानी कि संपीड़ित हवा जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होते हैं को जियोलाइट आणविक छलनी से अलग किया जा सकता है ऑक्सीजन के लिए। याद है कंप्रेस्ड एयर विच कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन कैन बी सेपरेटेड बाय द जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव छलनी सीव जियोलाइट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना मोती दाने जैसे। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बड़े प्लांट में कूलिंग मेथड से बनते हैं जिसे गैस में लिक्विड में बदला जाता है। और कूलिंग मेथड क्या है? कूलिंग मेथड इज नथिंग बट 173 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर टू क्रिएट द लिक्विड ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताई है। द थ्री स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एलएमओ इज मेड फ्रॉम कूलिंग मेथड इन लार्ज प्लांट व्हिच इज कन्वर्टेड फ्रॉम गैस टू लिक्विड। सो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट? दिस विल बी उपरोक्त सभी। ओके सेकंड टॉपिक बेसिक टॉपिक है जो मैंने आपके लिए लिया है। वन लाइनर फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। मैंने हेल्थ पॉलिसी में इंक्लूड किया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपको सबको पता होगा। आयुष्मान भारत योजना जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं। ये योजना ओहो दिस स्कीम वॉज लॉन्च ऑन द 30th of April 2018 में इसे जारी किया गया था जिसके अंतर्गत किसी मरीज के हॉस्पिटलाइज्ड होने के 15 दिन बाद और 15 दिन पहले के सभी मेडिकल खर्चों का वहन सरकार करती है। इसमें उनकी दवाइयां उनकी जांच रिपोर्टें भी इंक्लूड होती हैं। इसके अंतर्गत योग्य उम्मीदवार या योग्य लाभार्थी उन्हें बनाया गया जो 15,000 रुपए तक मासिक रूप से कमाते हैं। इसके ऊपर कमाने वालों को इसका लाभार्थी नहीं बनाया गया। राइट। तो इसे क्योंकि लॉन्च किया गया इस वजह से इसी के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि आयुष्मान भारत जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम किसे माना गया है? आयुष्मान भारत योजना को। द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड इज बीइंग कंसीडर्ड आयुष्मान भारत। तो इस वजह से प्रत्येक साल 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 अप्रैल 2018 को भारत में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। राइट। सो अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स। इफ देयर इज एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क मी। अदरवाइज वी विल बी एंडिंग दिस टॉपिक एंड विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक फर्दर by 11:50 11:50 पर।